Welcome to new course on Python. Venkat, tumhare saath aaj simple sa overview dunga Python development shuru karne se pehle, so that you can get started with all the prerequisite of Python development. Also, if you are a beginner, yaad rakhna ki har bar aap beginner nahi rehna chahoge. You should move your level to the next stage. So, ye panch prerequisite hai if you are starting today for developing Python. और ये एज अ बिगिनर तुम्हें हर बार याद रखना चाहिए कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करें, और हर एग्जांपल में इसे याद रखकर आपको इंप्लीमेंट करने शुरू करना चाहिए. सो मेरी ये पांच स्टेप में पहला स्टेप है इंस्टॉलिंग पाइथन इन मशीन. सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन चल रहा है, उसमें क्या फीचर्स है, सो एक गूगल सर्च यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है. जैसे अब मेरे पास पाइथन 3.7 है, सिंस पाइथन 2 ऑलरेडी फेस आउट हो गया था इस साल की शुरुआत में 2020 में. सो अब पाइथन 3.7 इज द लेटेस्ट वन फॉर मी और मैं उसी में कोड डेवलपमेंट करता हूँ. सो आपको भी ये याद रखना चाहिए, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट या नया डेवलपमेंट या नया टूल सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको याद रहना चाहिए कि अब कौन सा वर्जन चल रहा है और उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और उसके बेसिस पे आप एक बेस ओएस ले सकते हो, जैसे विंडोज, मैक या लिनक्स. अगर आपका वर्क प्लेस पे विंडोज यूज होता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप घर पे भी विंडोज ही यूज करें, या फिर आपके यहाँ पे लिनक्स पे मोस्ट काम होता है, तो आप आपके कंप्यूटर को या तो डुअल बूट कर ले, या फिर ट्राई करें कि आप लिनक्स यूज करने की कोशिश करें. उससे क्या होता है कि आपका फायदा कि आप घर पे जो सीख रहे हो, सेम एनवायरनमेंट आपको आपके वर्क प्लेस में मिलेगा, और इससे आपका डेवलपिंग स्पीड बढ़ेगा. और जब डेवलपिंग स्पीड बढ़ेगा, आपका पेस बढ़ेगा, आपका सोचने की प्रक्रिया बढ़ेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो मच फास्टर. सेकेंड चीज है चूजिंग करेक्ट आईडी. अब एक पाइथन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे आईडी है. बिना आईडी के आप सीधे ऑनलाइन से एक कन्वर्टर या इंटरप्रेटर लेकर भी आप कर सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स फॉर पाइथन. अगर आपको लोकल डेवलपमेंट करना है, बड़े एप्लीकेशन डेवलप करने जाएंगे, हो गया फ्रेमवर्क अलग क्लास हो गया है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे, तो मेरा प्रेफरेबल होगा कि आप एक लोकल आईडी डेवलप करें, लोकल आईडी सेटअप करें, सब कुछ इंक्लूडिंग द पाइथन वर्जन, और उसमें आप एक वर्चुअल ईएनवी करें, विच हम देखेंगे कुछ देर बाद में कुछ या फिर अगले कुछ वीडियोस पे. बट ये एक हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज अगर आपके वर्क प्लेस पे भी अगर आप एक आईडी यूज कर रहे हो, तो सेम आईडी ही प्रेफर करना घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट इट कुड हेल्प यू फास्टर योर डेवलपमेंट अगेन. तो मेरा प्रेफरेबल है तो वीएस कोड, बिकॉज वीएस कोड में बहुत सारे फंक्शनैलिटी है विच मेक्स द डेवलपमेंट मच फास्टर. ऑल्सो आप बहुत सारे फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे हो गया पाइलिंट हो गया, या फिर टर्मिनल हो गया, या फिर एक्सटेंशन हो गए, इतने सारे, तो आप बहुत सारे बहुत कुछ यूज कर सकते हो उसपे. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो स्टिल आप एक जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन यूज कर सकते हो, तो प्रैक्टिस ऑल द पाइथन थिंग जो हम इस कोर्स पे बात करने वाले हैं. अगली चीज है करेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर नेम. जैसे ही आपने आपका पहला प्रोजेक्ट शुरुआत करने जा रहे हो, ये हमेशा याद रखना कि आप एक फाइल पैटर्न या फिर फाइल नेम ऑलवेज फॉलो करें. डोंट जज गो ब्लाइंडली क्रिएटिंग. प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस भी उस लेवल पे करें, so that it will be easier for you whenever you are doing the same work on your workplace, या फिर आप कोई एक professional kind of project बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो be professional. एक मैंने बहुत सारे time देखा कि कोई भी beginners, और ये कोई video में बताया भी नहीं गया है कि like आप जब भी एक file name, folder name, project name या फिर ऐसे कुछ होता है, तो एक it should follow a basic pattern. और बहुत सारे ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो फाइल कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन आपको मिल जाएंगे. गूगल के ऐप पे पेड गाइड्स ऑफ पाइथन बहुत अच्छा है. मैं मे बी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट स्टार्टेड. और ऑलवेज रिमेम्बर करना कि जब भी आप शुरुआत कर रहे हो, तो एक अच्छे पैटर्न से शुरुआत करो, सो दैट इट विल बी स्टिकिंग विथ यू पूरे लाइफ लॉन्ग तक, और वो सबसे बेस्ट पैटर्न रहेगा आपके डेवलपमेंट करियर के लिए. चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन एंड माइंडसेट. ऑलवेज ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सिर्फ जॉब या इंटरव्यू के लिए लोग
पढ़ते हैं एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है, प्रैक्टिस की टाइम कम होती है एंड उनको पता नहीं होता है उसे यूज कैसे करना है। उनको पता है कि पाइथन है, वेरिएबल है, बहुत कुछ है, मुझे पता है हाउ कैसे पाइथन वर्क होता है, बट एक रियल केस सिनेरियो आएगा तो दे वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई और वर्क ऑन दैट। वो एक स्ट्रगलिंग पार्ट है, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो सीखने शुरुआत करते हैं उनको पता नहीं होता कि एंड कब करना है। सब शुरुआत में ऐसा लगता है कि ओके मैं पाइथन सीख रहा हूँ, पाइथन में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उनको ये नहीं पता कि उनको अचीव क्या करना है, क्या डेवलप करना है। इट कैन स्टार्ट विथ अ स्मॉल प्रॉब्लम लाइक एक छोटी सी सिंगल पेज वेबसाइट, एक सिंगल सा टेक्स्ट बॉक्स को ऑटोमेट करने से, कुछ ना कुछ ऑटोमेट करने से लेकर एक बड़ी एप्लीकेशन तैयार करने के तक हो सकती है। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि आपके पास एक छोटा सा एंड गोल हो जिसे आप कोशिश कर रहे हो रिक्रिएट करने की, सो दैट आपको पता रहेगा कि आप सीखने के बाद अगर वो गोल अचीव कर देते हो तो आपको पता रहेगा, आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड ऑल्सो इट विल हेल्प एज अ पोर्टफोलियो टू योर रिज्यूम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज या कोई भी टूल सीखने से पहले आपको क्यों सीखना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ भी हो, जैसे इंक्लूडिंग जावा, अगर जावा एज अ बैक एंड डेवलपर बनना है आपको तो एक छोटी सी एक एप्लीकेशन, एक रफ नोटबुक पे आप एक नोटबुक पे डायग्राम बना लेना कि एक मेरे ऐसे इनपुट आएगी और इसको मुझे ये करना है एंड आफ्टर यू लर्न इट फॉर 30 डेज, उसके बाद उसको ट्राई करना कि उसे इम्प्लीमेंट री इम्प्लीमेंट करे और ट्राई करना कि कितने दूर तक आप जा सकते हो बिना किसी हेल्प के। और मेरी पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी चीज सीखने से पहले प्रैक्टिस डेली मिनिमम 15 to 30 मिनट उसके लिए डेडिकेट करना। अब लोगों को लगता होगा अरे 15 से 20 30 मिनट में क्या हो सकता है, बट मेरे लिए 15 से 30 मिनट काफी है, क्योंकि डेली 15 से 30 मिनट आप लगाने से, उसे डेली प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ेगा और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी आपको कुछ भी चीज समझने में टाइम कम लगेगा और जब टाइम कम लगेगा आप एकदम सुपर फास्ट कोडिंग कर सकते हो। और जैसे आप देखते हो कि कोई कुछ लोग एकदम फास्ट कोडिंग कर रहे हैं, एकदम बढ़िया लॉजिक लिख रहे हैं, एकदम मस्त फ्लो में कोड कर रहे हैं, सीनियर डेवलपर को देखते होंगे कि इतने साल एक्सपीरियंस है उनकी, तो ये सब तब होता है जब दे हैव बिन प्रैक्टिस, उनको ये सिनेरियो पहले से ऑलरेडी बहुत सारे बार अपने लाइफ पे फेस कर चुके और ये डेली थोड़ी 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 प्रैक्टिस से होती है। अब डेली की 30 मिनट एक महीने में आपके 900 मिनट सेव कर सकता है और 900 मिनट की प्रैक्टिस में आप बहुत फास्ट और बहुत इंटेलिजेंटली कोड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।